इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स के बड़े बेहतरीन तरीके से कवरेज करते रहे पाकिस्तान की थ्रू आउट द ईयर्स, शाहिद हाशमी साहब जो अहमदाबाद में मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। मैच शुरू होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत समय बाकी है, लेकिन समाचार के अनुसार ये है कि लोगों ने आना शुरू कर दिया है। एक एटमॉस्फेयर है, वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है, सूरज निकल रहा है, इसलिए कि सूरज को भी मैच देखना है पाकिस्तान और इंडिया का। क्रिकेट में जब टीमें इंटर होती हैं तो 50-50 चांस होता है, तो कोई चांस कोई नहीं चला, शाहीन अफरीदी अगर चला तो चांस है, अगर 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 बाबर आजम या रिजवान में से कोई चला तो थोड़ा चांस है। अच्छा, हमारे स्टूडियो में शोएब मलिक, वसीम अकरम, मुइन खान मौजूद है। आपको वसीम कायल है, क्या बॉलिंग करता है वसीम अकरम, क्या बॉलिंग करता था, हम उसके बहुत बड़े दीवाने। वसीम भाई को मिस कर रहे हैं आज, वसीम भाई को मिस कर रहे हैं। पहला स्पेल वसीम, अगर वसीम भाई इधर होते थे ना तो थोड़ा चांस था। देने पर मिस्बा भाई के लिए एक मैसेज है, चांस आपको 2007 में दिया था, ऐसा नहीं मारना चाहिए था। वसीम अकरम, वकार यूनिस और अकीब जावेद, ये तीनों का मुकाबला नहीं हो सकता। बिल आखिर मैंने दो पाकिस्तानी फैंस को हासिल कर लिया, पा लिया, और ये दोनों अमेरिका से आए। आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए पाकिस्तान से? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक अच्छा गेम देखने को मिलेगा और एक माहौल देखेंगे। एक 1,00,000 से ज़्यादा की तादाद वाला स्टेडियम है तो माहौल बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। अच्छा, सब लोग सात निल यहाँ याद दिला रहे हैं कि सात का आंकड़ा है, सत्ते पे सत्ता है, हम तो सुन के थक गए, तो क्या 7-1 7-0 7-1 होगा? जैसे मैंने कई लोगों से बात सुनी है कि 7 पे इंडिया की ब्रेक होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है कि वो 7 से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप मेरे ख्याल में 7-1 देख रहा हूँ मैं इस दफ़ा। कोई ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस हो कि आज रन थ्रू? सारे बाबर से जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ आज जरूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि बाबर आज अच्छा मैच खेले। अच्छा, हमारे पवेलियन में वसीम अकरम, मिसबा, शोएब मलिक और मोइन खान है, कोई मैसेज देना चाहेंगे वसीम को या किसी को? भाई मैं तो कहता हूँ पवेलियन शो बहुत अच्छा है, वो करते रहें और टीम को सपोर्ट करें जो भी है। थैंक यू वेरी मच हाशमी साहब, जबरदस्त। और वो शायद हाशमी साहब खुद कितने खुश नजर आ रहे थे। यस, ही इज इन अहमदाबाद। एक दिन में हिंदी सीख ली उन्होंने। जी, आई नो, आई वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव वर्क।